मुहाला जिला चेनारी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम चेनारी के दक्षिणी मुहाला के संतोष कुमार के चेनारी मार्केट में फुटपाथ का दुकान है, लेकिन लगातार 5 वर्षों से चेनारी बाजार में बरसात होने के कारण जल जमाव का स्थिति बना रहता है, जिसके चलते संतोष कुमार का बिक्री नहीं हो पाता है। संतोष कुमार जैसे चेनारी मार्केट में 500 दुकानदार हैं जो थाना चौक से लेकर मछली मार्केट तक दुकान लगाते हैं, उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल जमा होने से हमारे यहाँ परेशानी है कि आने जाने में तकलीफ है, प्लस में जो कस्टमर आते हैं बारिश होने की वजह वो नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाते हैं, उसके चलते आपके दुकान पर क्या असर पड़ता है? हमारे दुकान पर असर पड़ता है कि अगर हम थोड़ा खरीद बिक्री करते हैं वो नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण जो है अपनी मिटलिटियों को पूरा हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर शाम को भोजन बनाना हो, सब्जी ले जाना हो, तो हमारी पूरी आश्रित जो है इस दुकान से है, जिसे हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। आप किसी अधिकारी या किसी को बताएं, आप नेता होता को? हमारे गांव में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो है अपनी अपनी बातों डालते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। यहाँ के पब्लिकें भी हैं जो इस बात को डालती हैं, हर किसी से कहती हैं, अपने अपने नेताओं से कहते हैं, लेकिन नेताओं का सिर्फ काम है कहना, करना नहीं। जल जमाव जो बनी हुई है आपके दुकान के आसपास और पूरे डाक बंगला मार्केट में, तो इसका निदान क्या है, कैसे निदान हो सकता है? यहाँ जड़ से ख़त्म करने के लिए इसकी समस्या का समाधान यही है कि जो रोड जो है नीचा बना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर कर बनाया जाए, और नाली का पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि SDO नलिन कुमार का मोबाइल नंबर 94-73-19-12-23 पर कॉल कर दबाव बनाए कि चेनारी मार्केट के जो बरसात के दिनों में जल जमाव बना रहता है वो पुराना नाला में खोदवा कर गिराया जाए, ताकि वहाँ के संतोष कुमार और 500 दुकानदार अपना दुकान बरसात के दिनों में भी चला सके और उनका आर्थिक स्थिति सुधर सके। मैं अमरजीत कुमार, ग्राम पोर्ट सदोखर, थाना चेनारी, जिला रोहतास, राज्य बिहार, इंडिया, अनहर्ड के लिए।